एक परेशान नागरिक भारत का आम आदमी कोई भी हो सकता है, मैं हूं, आप हैं, कोई भी हो, लोकल आदमी जो भी है, वो एक अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को सामने रखकर क्या लफ्ज कहता है सुनिए। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, कुछ तो जवाब दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, कुछ तो जवाब दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे कुछ तो हिसाब दे। अरे तेरे चेहरे की लिखावट में है बड़े उतार चढ़ाव, मैं तुझे कैसे पढ़ूंगा, मुझे कोई किताब तो दे। साथियों, उत्तर प्रदेश प्रभु श्री राम का प्रदेश, जहां पर कहा जाता था कि राम राज्य लेके आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है जहां पर राम राज्य आया हुआ है, किस जाति के लिए राम राज्य आया हुआ है? सभी लोग तो वहां पे पीड़ित हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी है, सभी को उत्पीड़न किया जा रहा है। बच्चियों के साथ इतनी क्रूर घटनाएं की जा रही हैं, अभी परसों बरेली में ही हुआ एक काम, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, और बस क्या बताऊं, कहने के लायक वर्ड नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है, उसके शब्द को किस तरह से शब्द शब्द करके वहां पे फेंक दिया गया। और योगी जी कई ग्रह के चिराग बुझाने के बाद अयोध्या में चिराग जलाने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सही है गलत है? किसी के घरों के चिराग बुझाकर आप कहां चिराग जलाने जा रहे हैं? तो दोस्तों, ये तो कोई दिवाली नहीं होगी, दिवाली तो होगी जब राम राज्य हो, और राम राज्य हमने अखिलेश यादव जी के समय में देखा, बड़े बड़े हाईवे बने, बड़े बड़े सड़कों का निर्माण हुआ, हॉस्पिटल बने, लेकिन आज उन हॉस्पिटलों में ऑक्सीजनों की कमी से बच्चे मर रहे हैं, और क्या कहा जाता है कि अगस्त में तो बच्चे मरते हैं। अगर अगस्त में बच्चे मरते ही मरते, तो फिर आपके सत्ता में क्या काम, आप भी जाके मरो ना। कभी उस गरीब आदमी के से आके पूछो आप, जो अपने बच्चों को लिए हॉस्पिटल में भाग रहा है, आगरा में 20-20 रुपए के लिए इंजेक्शन नहीं लगाए जाते, वो बच्चे दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, व्यवस्था बदलनी है, और व्यवस्था बदलने के लिए हम सब लोगों के साथ मिलकर चलना होगा, खड़ा होना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक छोटी सी लाइन, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दें अपनी औकात में रहे। दोस्तों, कंधे से कंधा मिलाइए, साथ आइए और संघर्ष कीजिए, अच्छे दिन आए तो नहीं लेकिन कोशिश करेंगे हम, जरूर लेके आएंगे। और इसी के साथ एक छोटा सा शेर और पेश करता हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कि ये भाषण दे रहे हैं या शेर और शायरी कर रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, हालात ही ऐसे हैं, शब्दों को घुमा फिरा के पेश किया जाता है। तो एक छोटा सा शेर फिर से अर्ज करता हूँ, जैसे कि अभी हो रहा है कि आप कोई भी कर्म कीजिए उल्टे या सीधे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आप भूख के धुले बन जाते हैं। आप कुछ भी कीजिए, बस बीजेपी ज्वाइन कीजिए, अगले दिन से देखिए आपके जय जयकार अखबारों में होने शुरू होती है। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो वो नहीं होगा वो भी अखबार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ होगा वो भी अखबार में आ जाएगा। और चोर चक्के लुटेरों की कदर किया करो, चोर चक्के लुटेरों की कदर क्या करो, क्योंकि मालूम नहीं कि कौन सा कब इस सरकार में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।